बढ़ते हैं आगे, जमशेदपुर की बात कर लेते हैं, जहां जुगसलाई श्मशान घाट में हंगामा हुआ है। परिजनों ने घाट कर्मियों के साथ बदसलूकी की है। हर दिन जल्दबाजी की होड़ में ये हंगामा हो रहा है। खतरों के बीच श्मशान कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये भी एक अलग तस्वीर है। ये तस्वीर गाहे बगाहे इन दिनों सामने आने लगी है, क्योंकि श्मशान घाट पे जब आप जाएंगे तो एक लंबी कतार नजर आती है, और ऐसे में हर परिजन ये चाहता है कि वो अपना काम पहले निपटाएं और उसके बाद वो घर लौट जाएं। और इसी को लेकर एक बार फिर से जमशेदपुर में ये हंगामा देखने को मिला है श्मशान घाट में। इससे पहले हमने आपको एक और घाट की खबर दिखाई थी, जहां पर परिजनों ने इसी चीज को लेकर हंगामा किया था। जल्दबाजी की होड़ में ये हंगामा, और एक बार फिर से ये हंगामा कर रहे हैं परिजन। श्मशान कर्मी भी लगातार इन खतरों के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं रोजाना। अब वहां पर देखिए 40 से 50 शवों के अंतिम संस्कार में ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और ऐसे में जो लंबी लाइन, जो कतार नजर आती है, हर कोई जल्दबाजी में, और इसी को लेकर श्मशान घाट में कर्मचारियों के साथ बहसबाजी और इसके बाद हंगामा। और ये तस्वीर हम आपको, ये जो खबर है वो हम आपको जमशेदपुर के जुगसलाई श्मशान घाट की बता रहे हैं, जहां बदसलूकी हुई है घाट कर्मियों से। ये वक्त ऐसा है जहां संयम भी रखना बेहद जरूरी, हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। श्मशान कर्मी भी वो तमाम खतरों के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये परिजनों को भी समझना होगा। और आपको तस्वीर सीधे दिखाते हैं जुगसलाई श्मशान घाट की, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, देखिए कुछ दिन पहले भी, अभी 2-3 दिन पहले भी हमने दिखाई थी तस्वीर कि कैसे श्मशान घाट पर लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों को जल्दबाजी है, लोग लंबी कतारों में वहां पर खड़े हैं। चूंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो रोजाना अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत अब इस बात की है कि लोग भी संयम धरें, क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी हैं उन पर भी काफी दबाव है। अभी वो दिन रात वहां पर संक्रमितों के लोग भी पहुंच रहे हैं, उसके बीच वो तमाम ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो लोगों को भी समझना होगा कि इसका महज अभी एक ही उपाय है, संयम रखें और तभी सारे काम हो पाएंगे। जल्दबाजी में और हड़बड़ी में कुछ नहीं होने वाला अलावे हंगामा के। बिल्कुल आरती, 4 से 5 दिन पहले भी हमने एक दृश्य दिखाया था अपने दर्शकों को पार्वती शमशान घाट की, जहां पर लोग जल्दीबाजी के चक्कर में जितने भी शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की भी की, हाथापाई की। इसके वजह से कम 2 से 4 घंटे तक पूरे शमशान घाट में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो गई। एक कहीं किंतु परंतु नहीं है कि शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं वो भी एक कोरोना योद्धा के तौर पर दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि जिस शमशान घाट में 10 से 12 शवों अंतिम संस्कार होता था, आज वहां संख्या 50 से 60 पहुंच गई है और लगातार यह संख्या बढ़ते जा रही है। और ऊपर से अगर इस बीच अगर फायरनेस मशीन खराब हो जाए तो वैसी परिस्थिति में कोई जो मशीन के जो टेक्नीशियन है, जो बनाने वाले हैं, उनका आता पता नहीं रहता है, कोरोना के चलते वो भी नहीं आते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो शमशान घाट के कर्मचारी हैं वो लगातार लकड़ी पर ही दाह संस्कार करने के लिए लोगों से आग्रह करते हैं, और दाह संस्कार लकड़ियों में भी हो रहा है और जो है 50 से 60 की संख्या में। तो ऐसी परिस्थिति में लोग यहां पहुंचते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में शमशान घाट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, ये कहीं भी जायज नहीं है। कल रात की घटना है, कल रात देर रात कुछ लोग आए थे वो शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे जल्दीबाजी की मांग की, तो यहाँ के जो कर्मचारी उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे कि आप अपनी बारी से ही आए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बेवजह कर्मचारियों के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि कर्मचारियों को मारकर जख्मी भी कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी अंतिम संस्कार जो कुछ देरों के, कुछ घंटों के लिए अंतिम संस्कार पूरी तरह से बाधित हो गया था, लेकिन जो शमशान घाट समिति के जो पदाधिकारी हैं वो तुरंत पहुंचे और स्थानीय थाने को सूचना दी, स्थानीय थाना के जो प्रभारी हैं वो पहुंचे और आश्वासन दिया कि अब से ऐसे नहीं होगी। तो इसी बीच में हम आपको बता रहे हैं, हम अपने सहयोगी अनवर से गुजारिश करेंगे कि वो कैमरे को उस जगह पर दिखाए। देखिए, आप देख सकते हैं आरती की चारों तरफ से जवानों को जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दिया गया, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उन्हें
समझाना है, उन्हें जागरूक करना है, उन्हें संयम बरतने के लिए आग्रह करना है। तो स्थानीय थाने के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति, विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे परेशानी बढ़े। हमारे साथ शमशान घाट समिति के सचिव भी हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं कि इस वर्तमान समय में जो विपरीत परिस्थिति चल रही है उसमें किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? मैं सब लोग से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में आ रहे हैं उनसे खास अपील है कि थोड़ा संयम बरते और हमारे कर्मचारियों को सपोर्ट करें। प्रशासन तो हमारा सपोर्ट कर ही रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनसे करें। और हमने अभी कोई एक तो 3,000 रुपये है उसमें भी जिनको फ्री चाहिए, पैसा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको फ्री चाहिए वो भी फ्री दे रहे। फिर भी पब्लिक को हम खास बोल रहे हैं आपके माध्यम के कि भाई आप लोग थोड़ा संयम बरते और हमारे कर्मचारियों को लाइन बाय लाइन काम करने दीजिए। हमारे यहाँ जो भी पहले आता है उनका पहले दाह संस्कार होता है। अभी हमारे दोनों फर्नेस खराब है तो करीब करीब लकड़ी में 50 से 60 बॉडी जलती है, उसके चलते हमारे जो लड़के लोग हैं वो भी दबाव में है, दिन रात काम कर रहे हैं, उनका भी हेल्थ हमको देखना है। हमारे स्टाफ के, हमारे जो ऑफिस कर्मचारी है उन लोग का भी दबाव है। इसलिए खास आपसे अपील करते हैं कि सब लोग, क्या परेशानी हुई है, कल क्या परेशानी हुई, उससे पहले क्या परेशानी, कल रात को कुछ आए थे उन लोगों ने हमारे ऑफिस के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, उसको लगा दिया। उसके बाद फिर भी हमारे स्टाफ ने सब होने के बाद भी थोड़ा देर काम बाधित हुआ, फिर हमने किसी को तकलीफ नहीं हो करके तुरंत दाह संस्कार का कार्य चालू कर दिया। इसलिए खास अपील है कि भाई हमारे स्टाफ को कॉपरेट करें। आरती, एक तरफ तो शमशान घाट के जितने पदाधिकारी हैं, शमशान घाट के जो समिति के पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी निःशुल्क कर दिया गया कि अंतिम संस्कार जो है वो निःशुल्क हो। अगर किसी के पास आर्थिक समस्याएं हैं, कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो उनके लिए वो निःशुल्क हो जाए। उसके बावजूद अगर लोग शमशान घाट पहुंचते, ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग आकर शांत हो जाते हैं, दिल दिमाग जुबान सब चीज शांत हो जाती है उस, और वैसी परिस्थिति में लोग संयम नहीं बरतते। एक तरफ शहर में या जिले में या फिर पूरे राज्य में या फिर पूरे देश में लोग आपदा में अवसर तराशने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, कालाबाजारी चरम पर है, फिर प्रशासन जो है, प्रशासनिक पदाधिकारी उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यही है कि देखिए यहाँ पर कर्मचारी भी ये कह रहे हैं कि जो इस आपदा में, जो इस महामारी में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास वो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन्हें निःशुल्क उनके परिजनों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। ये तमाम जब सहयोग दूसरे पक्ष से मिल रहा है, सामने वाला सहयोग करने के लिए तैयार है, तो इस बात का ख्याल परिजनों को भी रखना होगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ संयम से काम लेना होगा, क्योंकि अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक नहीं हजारों लोग खड़े हैं ऐसे जिन्हें मदद की दरकार है और जिन्हें इस स्थिति, जो पूरा परिवार ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें और भी हैं, तस्वीरें बहुत सारी हैं जिन्हें काउंट करना, जिन्हें आपके सामने लाना इतना भी आसान नहीं। बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर शायद यही कहा जा सकता है कि आखिर कब ये सब खत्म होगा और कब जिंदगी सामान्य हो सकेगी।